गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज पार्ट नंबर 8 ऑफ योर चैप्टर 4 क्लाइमेट ज्योग्राफी। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। लेट्स स्टार्ट नाउ। देन स्टूडेंट्स, द वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स हैवी रेनफॉल। वी आर टॉकिंग अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। मीन्स जो वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है पार्ट्स, वो रिसीव करते हैं हैवी रेनफॉल, 400 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल। ओके, एंड रेनफॉल इज वेरी लो इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। नाउ द एरियाज दैट हैव द अपोजिट दैट इज लो रेनफॉल और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द दक्कन प्लेटू एंड ले इन जम्मू कश्मीर। ओके, सो दीज आर द एरियाज दैट हैव वेरी लेस रेनफॉल। नाउ रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। मीन्स वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं ये। बचे हुए जो एरियाज हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, जो लो रेनफॉल रिसीव करते हैं, राजस्थान, गुजरात एटसेट्रा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द कंट्री मीन्स बचा हुआ जो देश है, बचे हुए जो कंट्री के पार्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, वो मॉडरेट रेनफॉल मीन्स औसत रेनफॉल जो है रिसीव करते हैं। वहां पे ना तो बहुत ज्यादा बारिश होती है और ना ही बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। ओके, देन नाउ स्नोफॉल इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालय रीजन। अब स्नोफॉल जो है वो सिर्फ हिमालय रीजन तक ही सीमित है, ठीक है, वहीं पे स्नोफॉल होता है। एंड नाउ जनरली दे एरियाज दैट रिसीव्स हाई रेन विल ऑल्सो फेस फ्लड। दैट्स वाई यू सी द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, मुंबई, गोवा, केरला। ओके, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय एंड असम दे रिसीव्स फ्लड ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मीन्स हम बात कर रहे हैं ऐसे एरियाज की जहां हाई रेनफॉल की वजह से फ्लड आता है, ठीक है, बाढ़ वाले रीजन्स। तो इसमें हमने देखा कि जो एरिया ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं वो एक तरह से फेस करते हैं फ्लड को, ठीक है। तो हमने कोस्टल रीजन्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि तमिलनाडु है, मुंबई है, गोवा, केरला, वहां पे जो है फ्लड आता है किस वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से, ठीक है, बिकॉज दे आर द कोस्टल रीजन्स। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मेघालय, असम, तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा भी है, ड्रेनेज चैप्टर में, कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कारण वहां पे फ्लड आता है, ठीक है, और वो एक बहुत ज्यादा जो है वाइड स्प्रीड कोज बनता है फ्लड का। वहां पे बहुत ज्यादा उस चीज के लिए विनाश भी होता है, बट वो एक फर्टिलिटी गेन करता है उस लैंड को, ठीक है। देन एरियाज ऑफ लेस रेन इज इक्वल टू ड्रोट। नाउ द एरियाज दैट हैव लेस रेनफॉल दे जनरली फेस ड्रोट। ओके, मीन्स दोज एरियाज विच हैव लेस रेनफॉल, जहां पे लेस रेनफॉल है वो जनरली किसको फेस करते हैं, ड्रोट को। वहां पे सूखा होता है बिकॉज वहां पे बारिश एक्सट्रीम नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। देन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल एंड लो रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल एंड एरियाज ऑफ हाई रेन, एरियाज ऑफ लेस रेन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन। एंड सो द नेक्स्ट टॉपिक we are going to start now is seasons. Okay, then we have already know about the climate of India. The monsoon type of climate is India, theek hai, and but we also need to understand that we also have a distinct seasonal pattern. What does it mean? It means that we also have other seasons like summer, winter, autumn. Okay, let's start now. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. The weather conditions greatly change from one season to the other. तो जो weather conditions है वो एक season से दूसरे season जब आता है तो वो change होती रहती है. These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. और ये mostly interior parts में ही notice किया जाता है.
चेंजमेंट जो है, द कोस्टल एरियाज डू नॉट एक्सपीरियंस मच वेरिएशन. जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहां बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है टेम्परेचर में, दो देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न. वहां पे सिर्फ रेनफॉल पैटर्न में ही वेरिएशन देखने को मिलता है. हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस्ड इन योर प्लेस? फोर मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया. तो फोर सीजन्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं. फर्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन, द सेकेंड द हॉट वेदर सीजन, एंड द थर्ड द एडवांसिंग मॉनसून एंड द रिट्रीटिंग मॉनसून विद सम रीजनल वेरिएशंस. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर सीजन. द फर्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर. ओके, मीन्स नाउ वी विल रीड अबाउट द विंटर. The cold weather season begins from mid-November in northern India and stays till February. Means जो cold weather season होता है वो कब से start होता है? Mid-November से, northern India में, उत्तरी भारत में की बात कर रहे हैं हम ये, and stays till February. और कब तक रहता है? February तक, ठीक है, फरवरी महीने तक. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स. दिसंबर और जनवरी जो है बहुत ज्यादा ठंडे मंथ्स होते हैं इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्तरी इलाके में. द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ. टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. ओके, एंड साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ने पे टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज बिटवीन 24 degrees to 25 degrees Celsius. While in the northern plains, it ranges between 10 degrees to 15 degrees Celsius. अगर हम बात करें कि ईस्टर्न कोस्ट पे चेन्नई का जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन में इसकी रेंज जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है. ठीक है, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. दिन जो है गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं. फ्रस्ट इज कॉमन इन द नॉर्थ. तो उत्तर में जो है फ्रस्ट वो तो कॉमन है, मीन्स बहुत ज्यादा ठंड जो पाला पड़ता है उसको कह रहे हैं फ्रस्ट. एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज एक्सपीरियंस स्नोफॉल. और यहाँ पे जो एक तरह से हिमालय के जो स्लोप होते हैं, हायर स्लोप्स, वहां पे स्नोफॉल होता है. ठीक है, बर्फ गिरती है. देन ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री. तो इस ऋतु में पूरे कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है उनका वो प्रवाहित होती रहती है. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हैंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. देन स्टूडेंट्स लुक हेयर नाउ, लिसन केयरफुली. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. जब ये विंड्स ब्लो करती है लैंड से सी की तरफ, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ए ड्राई सीजन. तो कंट्री का मोस्टली पार्ट जो है एक शुष्क क्षेत्र हो जाता है, या वहां पे जो है मौसम जो है कैसा हो जाता है, ड्राई. ठीक है, तो सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल अक्वर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. ठीक है, और इन्हीं विंड्स के कारण कुछ वर्षा होती है कहाँ पे? कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु. हेयर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि यहाँ पे ये विंड्स ब्लो करती है सी से लैंड की तरफ. ओके, तो हमने यहाँ पे दो ऑपोजिट पार्ट्स पढ़े कि जब ये लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है विंड तो ड्राई सीजन होता है, और जब सी से लैंड की तरफ ब्लो करती है तो वहां पे तमिलनाडु कोस्ट पे रेनफॉल होता है. ठीक है, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ए फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स. तो नॉर्दर्न पार्ट में, कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में ए फीबल हाई प्रेशर, मींस कमजोर जो है हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है विद लाइट विंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया. और एक तरह से हल्की पवने जो है इस क्षेत्र से बाहर की तरफ निकलने लगती है. इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीफ, रिलीफ से इन्फ्लुएंस होके दीज विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट. तो ये जो विंड्स है पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है, गंगा वैली में बहती है. द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स. तो इस मौसम में जो है आसमान साफ होता है, ठीक है, और आर्द्रता जो है वो कम होती है, लो ह्यूमिडिटी होती है, फीबल वेरिएबल विंड्स, और जो विंड्स है वो एक तरह से चेंज होती रहती है, वेरिएशन उनमें होता रहता है. ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इज द इनफ्लो ऑफ साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट. तो इसमें यहाँ पे एक मेन लक्षण देखने को मिलता है, एक कैरेक्टरिस्टिक, एक फीचर देखने को मिलती है कोल्ड वेदर सीजन की, कि नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तरी मैदानों में, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो है
इनफ्लो होता है उसका फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट. ओके, दीज लो प्रेशर सिस्टम्स, तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम्स हैं ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, और वेस्टर्न एशिया एंड मूव इन टू इंडिया. वेस्टर्न एशिया एंड मेडिटेरियन सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं वहां पे एंड मूव इन टू इंडिया और भारत में प्रवेश करती है ये विंड्स अलोंग विद द वेस्टर्ली फ्लो, ठीक है, वेस्टर्ली फ्लो के साथ. देन दे कॉज द मच नीडेड विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स, तो इसी के कारण जो है विंटर में बारिश होती है इन प्लेन्स के ऊपर एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में स्नोफॉल होता है. ऑल्दो द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावत, दिस इज द इम्पोर्टेंट टर्म, जो बारिश के मौसम में जो इसमें विंटर के मौसम में जो वर्षा होती है उसको हम लोकली क्या कहते हैं, महावत के नाम से जानते हैं. तो इसकी जो अमाउंट रेनफॉल है वो कम होती है, ठीक है, कुल मात्रा जो इसकी वो कम होती है, लेकिन आर द इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, लेकिन रबी की फसलों के लिए ये महत्वपूर्ण होती है ये बारिश. ओके, द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव ए वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, तो जो पेनिनसुलर रीजन है हमारा वहां पे कोई वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन जो है मीन्स एक विंटर सीजन जो है स्पष्ट नहीं है, डिफाइंड नहीं है. देर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजनल चेंज इन टेम्परेचर, तो इनकी जो समुद्री पवने हैं उनके प्रभाव के कारण विंटर सीजन में या तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द सी, ठीक है, उसके प्रभाव के कारण पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स नोटिसेबल सीजनल चेंज मींस ना के बराबर परिवर्तन होता है वहां पे, बहुत ज्यादा चेंजमेंट या बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को हमें नहीं मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द कोल्ड वेदर सीजन विंटर, दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द हॉट वेदर सीजन मींस समर सीजन. थैंक यू.